इस पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अमर उजाला में। विदिशा की अगर बात करें, आप लोग यहाँ के स्टूडेंट हैं, बताइए आप में से कितने लोग फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं? बहुत सारे बच्चे, दैट्स ग्रेट। तो ये बताइए, फर्स्ट टाइम वोटर्स होने के नाते कितना उत्साह है, कितने एक्साइटेड हैं आपके पहली बार वोट करना है? मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, पहली बार मेरा वोट है। मैं अभी 18 का टर्न हुआ, वो मेरा वोटर कार्ड भी आ चुका है और मैं कोशिश करूंगा कि जो दोनों नेशनलिस्ट पार्टी हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी, हमारे यहाँ ये तो दो डोमिनेटेड पार्टी हैं। मैं ग्वालियर रीजन से हूँ तो हमारे यहाँ बीएसपी का भी काफी परचम है। मैं कोशिश करूंगा कि जो भी पार्टी हमारे यहाँ खड़ी हुई है, जिन्होंने बड़े बड़े मुद्दे जो लेके आई है, खासकर जो एजुकेशन पे है, मैं कोशिश करूँ उन पर ही वोट दूँ अपना। चलिए और पूछते हैं, एजुकेशन पे आप वोट करेंगे, आप किस मुद्दे पर वोट करेंगे? मैं भी एजुकेशन पे ही करना चाहूंगा और जो हमारे विदिशा का डेवलपमेंट हो उसी पे करूंगा। विदिशा के डेवलपमेंट पे वोट करेंगे। आप बताइए, आप युवा वोटर हैं, क्या सोचकर इस बार वोट करेंगे? मैं प्राइमरी भोपाल का हूँ, वहाँ पर जिस प्रकार से डेवलपमेंट चल रहा है मेरे एरिया का और बाकी सारे स्कूल्स कॉलेजेस उन सबका, जैसे आरजीपीवी या फिर एलएनसीडी दूसरे आप ले ले, उसके हिसाब से जो नेशनल पार्टी जो सबसे अच्छा काम कर रही है, मैं उसके साथ जाऊंगा। आप किसके साथ जाना चाहेंगे? मैं एक्चुअली ग्वालियर से हूँ, मैंने ग्वालियर में देख रहा हूँ काफी समय से। मैं एक्चुअली वोट एक बार दे चुका हूँ तो मेरा वोट इस हिसाब से जाएगा कि एजुकेशन पे कौन ज्यादा ध्यान दे पा रहा है और कौन बच्चों की एजुकेशन वगैरह पे और क्लीनलीनेस पे जो ज्यादा अच्छे से ध्यान दे रहा है और डेवलपमेंट पे ध्यान दे रहा है, मैं उसकी तरफ वोट करना चाहूंगा। चलिए आप लोगों के पास भी आएंगे, लेकिन जरा लड़कियों से भी बात कर लें क्योंकि आधी आबादी भी एक बहुत ही निर्णायक भूमिका में होती है। आप में से कितने लोग पहली बार वोट करेंगे? आपने बोला कि आप फर्स्ट टाइम वोट करेंगी, तो आपके जहन में क्या मुद्दा होगा? क्या विमेन सिक्योरिटी आपके लिए एक इशू है, आप उसके बारे में सोचेंगी, या फिर बाकी बच्चों ने कहा कि नहीं हम एजुकेशन और डेवलपमेंट पे वोट करेंगे? एज अ फर्स्ट वोटर हमें दोनों चीजें देखनी चाहिए ना, जो भी बेसिक नीड्स हैं वगैरह और वुमेन एम्पावरमेंट, वो तो सबसे प्रायोरिटी पे आती है, तो वो सबसे पहले देखी जाए। आपको लगता है कि समय के हिसाब से चीजें बदली हैं, अब आपके समय में बहुत मौके हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं और गवर्नमेंट सही दिशा में काम कर रही है? अपॉर्चुनिटीज तो बहुत मिलती हैं, बट ऐसा नहीं कह सकते कि जितनी भी गवर्नमेंट है वो हर राइट डिसीजन लेती है। सो एज अ एडल्ट और हम लोग न्यू वोटर्स हैं तो हम लोगों को हर चीज देखनी चाहिए कि क्या हमारी गवर्नमेंट गलत कर रही है, क्या सही कर रही है, उस हिसाब से हमें वोट देना चाहिए एंड हर चीज को देखना चाहिए, फिर चाहे वो वुमेन सिक्योरिटीज हो, हमारा एजुकेशन हो, या जितने भी फील्ड हैं हमारे वर्ल्ड में, उन सब में हमें देखना चाहिए कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो सही से काम कर रही है कि नहीं। अच्छा ये बताइए कि जब आप वोट करते हैं तो आप क्या सोच कर वोट करेंगे, कि मुझे अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनना है, जो सांसद को चुनना है उनके लिए वोट करेंगे, या फिर सेंटर में हमें प्रधानमंत्री चुनना है उनके लिए वोट करेंगे? मेरे हिसाब से ये स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हर स्टेट में अलग अलग जो भी नेता आता है उनके हिसाब से अलग अलग डेवलपमेंट होता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर पार्टी का एक ही नेता अच्छा हो, हर स्टेट के लिए अलग अलग नेता होते हैं जो अच्छे होते हैं। जैसे यहाँ पे भी जैसे जो लोकल डेवलपमेंट होता है, अगर अपन जो प्राइम मिनिस्टर चुनने उसके लिए कर रहे हैं, वो इंटरनेशनल लेवल पे एक डेवलपमेंट का रहता है कि इंटरनेशनल लेवल पे जो कंट्री है उसका डेवलपमेंट क्या हो रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।